दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक शेयर के बारे में। आज के दिन अपने को क्लोजिंग देखने को मिला 71 रुपीज़ 90 पैसे के पास। तो इस लेवल से क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से देखेंगे तो स्टॉक में एक फॉल हम लोग को देखने को मिला, जो कि अराउंड अराउंड जून मंथ से, जो कि अराउंड 82 रुपीज़ के लेवल से स्टॉक ने कंटिन्यूसली हम लोग को फॉल दिखाया और सपोर्ट लेते हुए दिखाया 70 रुपीज़ के पास से। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा IDFC फर्स्ट बैंक में, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 65 रुपीज़ के पास। लॉन्ग टर्म हिसाब से इन्वेस्ट किया तो 60 रुपीज़ के आसपास होना चाहिए। और किसी को फ्रेश बाइंग करना है तो करंट लेवल पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक नीचे की तरफ सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, यहाँ से स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा होने वाला। अगर ऊपर की तरफ 75 रुपीज़ के ऊपर, 72 रुपीज़ 73 रुपीज़ के ऊपर जब भी स्टॉक निकलते हुए दिखता है, स्टॉक ऊपर की तरफ एक अच्छा वी शेप में रिकवरी दिखा सकता है, जिससे पहला टारगेट निकल के आएगा जो कि अराउंड 80 से लेकर 85 रुपीज़ तक का, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक में 100 रुपीज़ से ज़्यादा तक का भी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना ना भूले, क्योंकि हो सकता है स्टॉक नीचे की तरफ भी अराउंड होते हुए दिख सकता है, क्योंकि देखेंगे तो स्टॉक में नो डाउट गिरावट देखने मिलता है, फिर ऊपर में एक दो दिन बाउंस बैक भी देखने मिलता है। तो हो सकता है ये बाउंस बैक भी कुछ इसी तरीके का हो सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना ना भूले, जो कि अराउंड 65 से लेकर 60 रुपये के आसपास तक का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तब तक के लिए इतना इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।